नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो अब से नोटिफिकेशन आया है तब से जो है स्टूडेंट लगातार कर रहे हैं उसको, क्योंकि मेरे को आप फोन करके या फिर मेरे को जब चीजों को बताते हो तब मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो ऐसी चीज है कि जो आप में मादा है करने का, आप दरोगा बन सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि आपको अवॉइड करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आप फेल की लिस्ट में भी हो सकते हैं। इसमें डिमोटिवेशन की कोई बात नहीं, इसमें सच बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म भरा जाएगा और वैकेंसी 9,500 ही है। तो क्या क्या चीजें ऐसी गलती कर रहे हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए वो मैं आपको इस चीज में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, सबसे पहला मिस्टेक जो जो इस समय लोग कर रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से क्या हुआ है कि पेड बैच की बाढ़ आ गई है। पेड बैच कोई दिक्कत नहीं है, पेड बैच में मैंने भी पेड बैच निकाला जीएस के लिए, पूरा फुल जीएस के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग जो है शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा पढ़ना चाहते हो, ठीक। शॉर्टकट के चक्कर में क्या पढ़ रहे हो कि सबसे बड़ी बात कि दो चीजों को आपको अवॉइड करना है, ठीक। कोई मेरी इस बात से सहमत हो या ना हो, ये बात सच है, जब रिजल्ट आ जाएगा बाद में तब आप खुद ही इसको मान लेंगे। पहला है, कुछ लोग जो है आप पीडीएफ बैच के चक्कर में पड़ गए हैं, वो लेकर समझते हैं कि यह है ईश्वर द्वारा कुछ आकाशवाणी हुई थी और किसी टीचर ने बैठ के वो पीडीएफ उतार ली, वो क्वेश्चन उतार लिए, ठीक है, और ये कह के बेच दिया कि ये जो है एक इतने सारे साल के पेपर हैं और इतने सारे स्टेट से उठाए गए हैं, आप जो है इनको रट लो बस हो जाएगा, ठीक। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने सोचा अरे ये तो टीचर तो बहुत सही कह रहा है, ये तो चमत्कारी पीडीएफ मिल गई मेरे को, ठीक है, अब तो इससे काम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो 400-500 रुपए में आपको जो है कॉपी पेस्ट करी गई जो जो आपका मटेरियल था वो आपको भेड़ दिया गया तुरंत ही, ठीक है। और हुआ क्या, आपको आने के आपने वो ले लिया, लेने के बाद जो है आप आज रो रहे हो, क्यों, क्योंकि आपका जीएस तैयार नहीं है, ठीक है। मैंने हमेशा, आज से नहीं, 6 महीने पुरानी भी आप वीडियो उठा के देखोगे, बात यह नहीं है कि मैं जीएस पढ़ाता हूं, बात यह है कि जीएस सबसे ज्यादा आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट है। मैथ कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे, हिंदी कर लोगे, क्योंकि सिलेबस आपका सीधा सीधा है। दूसरा, ये तो हो गया पीडीएफ की कहानी, जो सिर्फ पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट वनसेप्ट गया भाड़ में, ओनली पीडीएफ करके आपको जो है पागल बनाया जा रहा है। दूसरे लोग वो हैं जो एक एक जो कहते हैं ना कि तिल का ताड़ बना देना, छोटी सी कोई चीज उसका ताड़ बना देना, मतलब कहने का यह है कि अगर कुछ भी छोटा सा होगा, मतलब अगर 1905 का अगर उन्हें एक्ट पढ़ाना होगा या फिर उन्हें जो पर्यावरण संरक्षण पढ़ाना होगा, तो वो पर्यावरण संरक्षण के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद कब हुआ, क्या हुआ, पर्यावरण संरक्षण में मतलब कौन सा पक्षी मारा, कौन सा शेर मारा, ठीक है, कौन से देश में जो है उस महिला के साथ, सब कुछ उसमें बता दिया। जबकि उनको ये तक नहीं पता कि भाई तुम खुद क्वालिफाई कर चुके हो एग्जाम को, तुम्हें खुद सच बताना चाहिए लड़कों को, ठीक है, खुद सच बताओ ना कि क्या तुमने भी इसी तरीके से एक्ट पढ़े थे, जिस तरीके से आप जो है अपने जो है स्टूडेंट्स को जो चीजें पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, इतना तामझाम तरीके से, अरे मैंने तो 2 घंटे की क्लास ली है पर्यावरण संरक्षण का, कोई क्वेश्चन नहीं आया उसमें से छूटेगा, और नहीं आया उसमें क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण का, आपने जो है एक 10 पेज के तैयार कर लिए नोट्स पर्यावरण संरक्षण के। इस समय आपको दिमाग खोल के चीजें करनी है, ठीक है। हमारे पास, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है जो कि मैं ज्यादातर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सच्चाई तक पता करा जाए। इस समय आपको चीजों को बहुत ही सिलेक्टेड वे में लेके चलना है, बहुत ही सिलेक्टेड। इसीलिए मैं अपने पेड बैच में हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो देना पसंद करता हूं, क्यों, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं होती, नॉर्मल तरीके से पढ़ो, अपना आगे बढ़ो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लड़के को वो ये सोचता है यार इतना, इससे तो हम दरोगा बन ही नहीं पाएंगे, हमें तो कम से कम एक छोटे मूल कर्तव्य के लिए भी, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए भी हमें 3 घंटे क्लास चाहिए, तभी तो एक फील आएगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा के सामने हम जो है देख दिखाएंगे कि देखो मैंने 3 घंटे क्लास लेके आया हूं जिसमें कि मैंने मात्र 10 मिनट का कंटेंट लिया है, ठीक है। तो आपको दोनों की दोनों चीजों से ही बचना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यहां करो कहां करो, जहां पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ मेरा काम हो जाएगा। जो स्मार्ट लड़का है, जो सिलेक्शन सिलेक्शन लेने वाला, अभी तक बहुत लोगों को ये चीज की दिमाग में ये चीज लेके बैठे हुए हैं कि हाँ हम बहुत 12 घंटे तक हम वीडियो क्लास देखते हैं तो मेरा तो हो ही रहा है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लिस्ट में नाम उसी का ही आएगा जो बंदा इस समय इन क्षणों को जो है अपना यूजफुल बनाएगा,
ठीक, अदरवाइज चीजें बहुत ही आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके साथ क्या चीज हो रही है और कहां आप गलत पाथ पे जा रहे हो। तो दोनों के दोनों चीजों से आपको बचना है। पीडीएफ क्लासेस इसलिए आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर आपका कंसेप्ट नहीं बनने हैं। संविधान में, मूल विधि में, अर्थव्यवस्था में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वही कर सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक। और कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है वहां पर कुछ नहीं होगा, आपको जो है मूर्ख बना के और आपका जो करियर और चौपट कर दिया जाएगा। 9,500 वैकेंसी में मैंने आपको 1,000 बार बताया, नहीं हुए तो गली मोहल्ले से लड़के सिलेक्शन होंगे, तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप जो है तुम्हारे तुम्हें टॉर्चर करेंगे, फिर आप ही कहोगे सर अब बस नौकरी लगवा दो। इसीलिए कहता हूं दिमाग खोल के करो। तो पहली चीज तो आपकी है कि ज्यादा लंबी आपको लाइव क्लासेस के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर आपको खुद ये चीज देखनी है यार ये भ्रष्टाचार अधिनियम के लिए मैं क्यों 1.5-2 घंटे की क्लास लूं, इसके लिए तो मुश्किल से 2-3 पेज का मटेरियल काफी है यार, ये आपको चीजें करनी है। दूसरी चीज है, दूसरी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको जो है जैसे कि रिवीजन, मैंने आपको बताया कि इस समय जो है आप वीकली रिवीजन करो और जब आपको जो है जब आपका मंथली 2 महीने रह जाए एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए हो सकता है अप्रैल तक जो है क्लियर हो जाएगी कि पेपर कब ले सकते हैं, ठीक। अभी तो जून जुलाई करीब चल रहा है लेकिन अप्रैल तक आपका क्लियर हो जाएगा। आपको वीक में जैसे संडे आता है तो संडे में आपको 6 दिन का रिवाइज करना है। बिना रिवीजन के आप जो है सोचो कि कुछ कर लोगे, वहां नहीं कर पाओगे, बहुत ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक। क्योंकि यूपीएसआई में चीजें ऐसी हैं कुछ के आपको जो है क्वेश्चन इस तरीके से बना के देगा वो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी, ठीक है। देखिए जो लोग अपना क्या नाम है उस थोड़ा डिफरेंट लेवल से तैयार कर रहे हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज भी क्या है कि लोग जो हैं चाहे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लड़का बिलोंग करता हो या फिर कहीं से भी करता हो, वहां पर हो क्या रहा है कि इतने बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट और इतने बढ़िया बढ़िया चीज करके जो है इस समय बाढ़ आ चुकी है। तो दोस्तों करियर आपका है, डिसाइड आपको करना है, ठीक। मेरे पास स्टूडेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो कि 6-6 जगह से पेड बैच लेके आते हैं और पिछले 2-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और अगर मैं कम्युनिटी पे कोई भी क्वेश्चन डालता हूं या टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन डालता हूं तो उनसे ये वो क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो क्या फायदा हुआ आपका 2019 से लेकर अब तक तैयारी करने का जब आप जीएस का एक सिंपल सा संविधान का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, और आप सोच रहे हो मैं दरोगा बन जाऊंगा, मोटिवेशन वीडियो देखते हो पूरे पूरे दिन बैठ के, ठीक। मोटिवेशन वीडियो हफ्ते में एक बार देख लो, 2 दिन में एक बार देख लो, पूरे पूरे दिन बैठोगे जाके, मैंने क्या बोला ख्याली प्रो, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है आपको, दिन में सपने देख रहे हैं कि हाँ हम हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, मेरे गन लगी होगी, अरे गन पहले उस चीज को तो करो, रिटिन तो क्वालिफाई कर लो पहले, ठीक। लोग इतनी चर्चा करके बैठे हुए हैं कि तेरा भाई दरोगा बन जाएगा ना तो भाई तेरा तेरा जो है तेरे को छुड़वा दिया करेगा, कोई तेरे को पकड़ेगा नहीं, अरे पहले कर तो लो, अगर नहीं बन पाए तो वही लड़का कहेगा भाई मैं तुझे छुड़वाऊं क्या। इसीलिए आपको जो है रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि मैं एक नया चीज शुरू करने वाला, एक तो मैंने करंट अफेयर की शुरुआत कर दी है, करंट अफेयर में डेली बेसिस पे आपको दूंगा फॉर UP SSSC एंड UPSI, ठीक। फालतू करंट अफेयर नहीं, जो आते हैं क्वेश्चन उस टाइप के ही आप देखिए नया ना देखिए, कल को आपको जो है जब एग्जाम आ जाएगा तब आपको इकट्ठी वो देखनी पड़ेगी, इतना मैं आपसे दावा करता हूँ, ठीक। क्योंकि वो जो है दैनिक जागरण से, वो द हिंदू से, दैनिक जागरण और आपका जो है कई सारी वेबसाइट से वो चीजों को मैं बनाता हूँ डिटेल में, ठीक है। दूसरा मैं एक ही चीज शुरू करने वाला हूं कि आपको 2 या 3 दिन में एक बार कम से कम 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन किसके, जीएस के 50 क्वेश्चन, उसमें आपका संविधान, मूल विधि, इस तरीके से जो क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं उनको, अगर कोई कम्युनिटी से क्वेश्चन सॉल्व करता हो चैनल की कम्युनिटी से या फिर कोई टेलीग्राम पर जुड़ा हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पर आपको पता होगा कि मैं क्वेश्चन हमेशा चीजों को खुद बनाता हूं जैसे क्वेश्चन यूपीएसआई में आते हैं। प्रॉब्लम इस समय ये हो रही है यूपीएसआई से रिलेटेड जो है वो इस समय टेस्ट सीरीज मौजूद ही नहीं है। आप टेस्ट बुक को 350 मारते हो तो ये मत सोच लेना कि आप 350 ही मारने वाले, टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज इतनी हलवा है कि CHSL वाले लड़के उसमें 400 में से 400 मार दें, ठीक। तो ये वाला दिमाग में मत रखना, अपना तो टेस्ट वो प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना एक बार ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको जो है मैं दूसरे तीसरे दिन में जो है, और खासकर मैं क्वेश्चन सीरीज जो होगी ये मैं लाइव करवाऊंगा जिससे कि मैं क्वेश्चन देख आंसर को देख सकूं, ठीक। वैसे मैं लाइव के खिलाफ रहता हूं लेकिन मैं लाइव के खिलाफ तब रहता हूं जब आप वहां पढ़ रहे हो, यहां पढ़ नहीं रहे, यहां प्रैक्टिस करने आ रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊंगा मैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि रात के 8 बजे के करीब जो है मैं इसको चालू करूं, जब भी होगा मैं आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे या चैनल पे मैं बता दूंगा उसको, ठीक, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा ये ध्येय है कि लास्ट तक आपको 1,000 क्वेश्चन करीब आपको करा दिए जाएं बिल्कुल यूपीएसआई से रिलेटेड, जिससे कि आपको वहां पर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आपको रिवीजन करना है, पीडीएफ बैच या लंबे लंबे क्लासेस से आपको बचना है उन चीजों को लेकर, ठीक है। आज नहीं मान रहे तो जब रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये चीज महसूस करोगे, फिर ना पीईटी के लायक रह जाओगे ना यूपीएसआई के लायक रह जाओगे।
ठीक है, तो आपको ये चीजें करनी है। दूसरी बात ये कि पूरे पूरे दिन आपको मोटिवेशन वीडियोस और ये फलाना वीडियो ये नहीं देखनी है, ठीक है, कि एक दरोगा चलता हुआ आ रहा है, अरे उस लायक तो हो जाओ पहले। मोटिवेशन वीडियो मैं मानता हूँ होनी जरूरी है, लेकिन महीने में देख, वो हफ्ते में एक बार देख लो, 4 दिन में एक बार देख लो, पूरे पूरे दिन मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं, ठीक। ये चीज मुझको पता चलती रहती है, कोई मैं अननोन नहीं हूँ सब चीजों का। तीसरा पॉइंट ये है कि मल्टीपल पूरे पूरे दिन आपको यूट्यूब पे पड़े हुए नहीं रहना, जब तक आप कॉपी पेन नहीं चलाओगे तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। मैथ में बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। मैं शाम तक जो है एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा मैं, जिसमें कि मैं रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस समय लड़कों को, रीजनिंग में आपको क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैं, और कैसे पेपर आए थे और कैसे आ सकता है, वो सारी चीजें मैं इसमें आपको करवाऊंगा। मतलब इसमें मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ से आपको करना है, ठीक। क्योंकि रीजनिंग, जीएस और हिंदी, इन तीनों में वो रुला सकता है, मैथ तो कॉमन रहती है, मैथ कॉमन ही रहेगी, ठीक। तो आपको ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कि मैं बताना चाहता था, किसी के दिमाग में आ रही है तो वो समझ ले, नहीं आ रही है तो भाई आप अपनी किस्मत के, किस्मत नहीं कह सकते उसको, आप अपने कर्मों के खुद ही आपको फल मिलेगा उसका, ठीक है। तो इस चीजों को समझ जाओ, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, इस समय एक तरीके से चीजों की बाढ़ सी आ गई है। हर बंदा जो है ये चाह रहा है कि कैसे भी करके ऑफलाइन कोर्सेज, 14-15-20 हज़ार रुपए के ऑफलाइन कोर्सेज, और वो बहुत सिलेक्ट कराते हैं। वो क्या करते हैं, 10 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार रुपए के कोई लड़के पकड़ते हैं, जो खुद एक कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे दरोगा का पढ़वा देते हैं, ठीक। इनसे कि एक क्वेश्चन आप पूछ लोगे वो नहीं बता पाएंगे वहां पे। तो आपका करियर जो है, आप क्यों दूसरों के हाथों में दे, अपना खुद का दिमाग यूज करो ना, खुद का दिमाग आप यूज करेंगे तब आप जो है आप चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक। 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो गया है जीएस के लिए इस, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना करियर, अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम है तो आप जीएस के लिए आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स आपको इसमें डेली बेसिस पे आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस होंगी, ठीक है। मेरा बस इतना ही कहना है, मैं जो कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं ये सोचता हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट का जो है उनको समझ में चीजें आ जाए, अदरवाइज तो आप करिए, आप करियर आपका है, मेहनत आपकी है, कैसे करोगे, बाद में किसका सर पकड़ोगे, किसका कंधा पकड़ोगे रोने के लिए, जब आपका रिटेन ही क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।